मुरथल रेप केस में भी वो जो पांच बच्चे जो बेचारे जेल में रहे 9 महीने में, उनसे मिला हूँ। उनमें से दो, एक के फादर की डेथ हो गई, एक की शादी टूट गई, एक शराबी बना हुआ है। सो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। न केवल इस आंदोलन के समय पर सभी मीडिया चैनल, मैं किसी भी एक व्यक्ति का या चैनल का नाम नहीं ले सकता, सभी के सभी नेगेटिव थे, सभी के सभी नेगेटिव पोस्टरिंग कर रहे थे, सब डरे हुए थे। और गवर्नमेंट भी मेरी हेल्प नहीं कर रही थी कि उनकी इन्फॉर्मेशन देते। मैंने बहुत निकालने की कोशिश की उस वक्त और बहुत गिरफ्तार होते जा रहे थे। तो बिल्कुल एंड में वो दिखाया कि 59 या 51 अभी भी हैं, शायद 59 जेल में, बाकी सबको बेल मिली है, बरी नहीं हुआ, ऐसा कुछ चल रहा है जी। एंड आई वाज शॉक्ड इन वन ऑफ द हियरिंग जहाँ पे वो बोल रहे थे 9 महीने से बच्चे जेल में हैं और आप क्या कर रहे हो। तो जज, आई एम सो सॉरी, माननीय जज साहब ने बोला क्या जल्दबाजी, जो व्यक्ति खुद मुरथल में मौजूद है, एडिटर है, वो कभी भी किसी SIT के पार्ट नहीं आया, सामने नहीं आया। आपने कभी नहीं सुना होगा ट्रिब्यून के एडिटर वहाँ पे मुरथल में मौजूद थे। यस रियली, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को बोलूंगी, जिस तरह से मेरा दिमाग चेंज हुआ है, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है, आप प्लीज जाके मूवी देखिए ताकि आपको भी पता चलेगी एक्चुअली जिन लोगों ने सर्वे किया है क्या है। सब्र का कितना फायदा हो सका है वो इसका मैसेज आपका जरूर जा रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये किसी एक जाति के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, ये समाज का संदेश है और हमें ये प्रयास करना चाहिए, इसमें मतलब सभी जातियों के लोगों को ये मतलब देखने चाहिए। फरवरी 2016 है, ये वो तारीख है जिसने हरियाणा में बहुत कुछ बदल दिया, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। फरवरी 2016 में हरियाणा में आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन इसे नाम दिया गया, और इस आंदोलन के दौरान बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। उस हिंसा को लेकर तमाम लोगों के पास अपनी अपनी जानकारियां हैं, अपनी अपनी राय है, अपने अपने झूठ हैं और अपने अपने सच हैं। कुछ सच्चाई मेरे पास भी है लेकिन मैं उसको जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयां इसलिए दबी रह जाती हैं क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन इस आंदोलन के पीछे की एक सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की गई है चीरहरण नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। जी हाँ, जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में आप कई साल से सुनते आ रहे हैं चीरहरण, वो रिलीज हो चुकी है। पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों में उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, थिएटर्स में भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगी हुई है, आपको जाकर जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए उसके बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे। मैं हालांकि इसकी स्क्रीनिंग के बाद जो कुछ बातचीत हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो आपको सुनवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या कुछ है मैं अपनी राय उसके बारे में बता देना चाहता हूं। बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में कि इतने साल के बाद ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों रिलीज हुई, आज की तारीख में ही क्यों रिलीज हुई, किसान आंदोलन के दौरान ही क्यों हुई, क्या इससे सरकार को कोई फायदा है, क्या ये कोई सरकार का एजेंडा तो नहीं है। तो शुरुआत में ही मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने देखी है और ये तमाम शंका शायद मेरे भी जहन में हो, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपके जहन से ये तमाम शंकाएं साफ हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी कि ये कोई सरकार का एजेंडा है या प्रोपेगेंडा है या इससे किसान आंदोलन को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कंटेंट इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर नहीं है। एक और चीज़ जो आपको इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बड़ी उम्मीद होगी कि इसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, पूरी सच्चाई निकलकर सामने आने वाली है, तो ऐसा भी कुछ इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नहीं है कि इससे बहुत बड़ी कोई सच्चाई या बहुत बड़ा खुलासा हो जाए। हाँ, आपको एक विस्तार से एक पूरी की पूरी सीक्वेंस और पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो एक बड़ा ही क्रूर दस्तावेज होती है, यानी जो जैसा है वैसा आपको परोस दिया जाता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो किसी के पक्ष में जाए, वो किसी के खिलाफ जाए, इस तरह का दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट्री। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो निर्माता हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि ये किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ ना जाएं, इसमें किसी को राजनीतिक फायदा या किसी को राजनीतिक नुकसान, इसमें सरकार को फायदा सरकार को नुकसान, इस तरह की कोई बात ना हो, इसलिए ऐसे कंटेंट को शायद मुझे लगता है कि निर्माताओं ने जानबूझकर इस डॉक्यूमेंट्री से दूर रखा है। चौथी चीज, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर निर्माता ने अपने जो व्यक्तिगत राय है,
आरक्षण के बारे में और समाज के ढांचे के बारे में वो उन्होंने जाहिर की है, वो उसमें डाली है। जबकि डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो फॉर्मेट रहता है अब तक का, वो ये रहता है कि निर्माता अपनी कोई राय उसमें नहीं डालता है, लेकिन नया फॉर्मेट हमें देखने को मिला है कि इसमें निर्माता ने अपनी राय भी डाली है। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में मुख्यतः दिखाया क्या गया है, इसका मेन कंटेंट क्या है? कंटेंट है इसका संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं, एक समाज के तौर पर हमारे भीतर क्या होना चाहिए और क्या हमने उस दौरान खो दिया था और क्या हमें भविष्य में हासिल करना है, ये इसमें बखूबी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किसी आंदोलन के दौरान अगर हिंसा होती है तो उसमें व्यक्तिगत तौर पर लोगों को किस तरह की हानियां होती हैं, किसी की बाइक जलती है, किसी की गाड़ी जलती है, किसी का घर जलता है, तो किसी की मौत होती है। नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। उन संवेदनाओं को, लोगों की व्यक्तिगत हानियों को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बखूबी दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से झकझोर देता है। स्क्रीनिंग के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की आखिर आते आते आंखें नम हो गई थी, और वो जो लोगों की आंख में से आंसू निकल रहे थे वो बहुत निर्मल थे, क्योंकि वो किसी भी पक्ष, वो किसी भी जात, वो किसी भी राजनीति से बहुत ऊपर थे। वहाँ से जो संवेदनाएं जग रही थी, शायद इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की सबसे बड़ी जीत वही है और वही इसका मुख्य कॉन्टेंट है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, उसको मैंने अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया, जो आप लोगों के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। आखिर तक सुनिएगा, बड़ी अच्छी और ज़रूरी बातें हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जिन्हें आपको सुनना चाहिए। एंगल कैसे हुआ, या अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हम कहां से आते हैं, ये जाट कम्युनिटी कौन है, इनको क्यों चाहिए रिजर्वेशन, और दंगों के बाद सबसे ज़्यादा हानि किसको हुई? अगर सैनियों में, जाटों में ये विचारों में भेदभाव हुआ तो क्यों हुआ? जो सैनियों से बात कर रहे थे बोलता है, यार ये हमारा जबरदस्ती नेता बना हुआ है भाई, ये क्यों कर रहा है हमारे साथ? वो जो लास्ट में बोल रही हैं, वो औरत की सिर्फ डर डर का माहौल हो, ये कहाँ से आया? मेरे तो बेस्ट फ्रेंड सैनी हैं, ये क्यों बैठा है यहाँ पे? हमारे को इस फिल्म को बनाते वक्त, हाँ जी हर जगह हैं, तो इट्स शुडंट बी अबाउट कम्युनिटी। ये मेरे से किसी और ने पूछा था, अगर आप कोई लव स्टोरी बना रहे हैं तो उसमें लव स्टोरी दिखेगी, अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो ड्रामा दिखेगा। अभी ये हरियाणा की कहानी है, और हरियाणा में उस वक्त जाट आंदोलन चल रहा था, उसकी कहानी है तो उनकी कहानी है। अगर एक कापू आंदोलन की होती तो कापुओं के बारे में होता, गुज्जर की होती तो गुज्जरों के बारे में होता। सो वी शुडंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग द ट्रुथ एंड लेट्स रेडी टू फेस द ट्रुथ जैसी भी हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी बचाने की कोशिश की है। मुरथल रेप केस में भी वो जो 5 बच्चे जो बेचारे जेल में रहे 9 महीने में, उनसे मिला हूँ, उनमें से दो, एक के फादर की डेथ हो गई, एक की शादी टूट गई, एक शराबी बना हुआ है। सो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। आपका प्रयास बहुत अच्छा है। थैंक यू। और अगर एक बार आप सारे, हाँ क्वेश्चन है आपका। सर, जैसा कि मेरे बुजुर्ग ने आंदोलन को लेकर कहा, मैं महेंद्र सर पिछले 2 महीने से 26 नवंबर से जब से आंदोलन चला हुआ है तब से लेकर आज तक इस आंदोलन से जुड़े हुए। बहुत बढ़िया जी। मेरे फादर साहब पिछले 2 महीने से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आंदोलन को प्रभावित करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन जो मेन बात थी कि उस आंदोलन में क्या हुआ, हिंसा के कारण परिणाम क्या हुआ, वो चीज को लेकर ये प्रभावित करेगी कि अगर आप हिंसा करेंगे, अगर इस आंदोलन में भी हिंसा हुई तो परिणाम ये होगा, हिंसा से प्रभावित करेगी ना कि कोई जातीय करेगी। थैंक यू सर। यस सर। एक जो सपना भी मनु का आपने दिखाया था, तो उन बच्चों जो जिन बच्चों को सीबीआई में कोर्ट केस चला था, एक ये थोड़ा उसके बारे में कोई वो ब्रीफ कर देते हैं। मैं उसको कवर किया है या नहीं किया? मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था ना सब जेल में थे, तब जेल में थे और लगे हुए थे, और मैंने इनसे भी पूछने की कोशिश, मुझे मिल नहीं पा रहा। चीजें हम भी बताएंगे। तो इतनी कोशिश की लेकिन उनकी ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी मुझे, क्योंकि बहुत वही सब डरे हुए थे और गवर्नमेंट भी मेरी हेल्प नहीं कर रही थी कि उनकी इन्फॉर्मेशन दे दे। मैंने बहुत निकालने की कोशिश की उस वक्त, और बहुत गिरफ्तार होते जा रहे थे। तो बिल्कुल एंड में वो दिखाया कि 59 या 51 अभी भी हैं, शायद 59 जेल में, बाकी सबको बेल मिली है, बरी नहीं हुए, ऐसा कुछ चल रहा है।
हाँ, पर वो अभी भी जेल में है, बहुत सारे लोग जेल में हैं। मैं इनकी सबकी स्टेटस बताऊंगा आपको, इनसे ज्यादा बेहतर मैं बता पाऊंगा। एक सर जो आपने उड़ा साहब का इंटरव्यू लिया था, चलो हो सकता है कि आप उसको बड़े पर्दे पर ना दिखा पाए हो किसी कारण से, तो थोड़ा उसको भी ब्रीफ कर सकते हैं क्योंकि सारा सर मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ना कि भाई मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मत दिखाओ। तो क्या होता है जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आप सबसे एक परमिशन लेटर पे साइन कराते हैं कि ये आपकी मर्जी से हो रहा है। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो आई कम्प्लीटली कैन अंडरस्टैंड दैट उस टाइम उन पर बहुत प्रेशर थे और अगेन वो मुझे नहीं जानते थे, सबको मुझ पर शक था ये कौन आदमी है। और वहाँ पे ईडी की चीज़ें चल रही थी, अलग अलग चीज़ें चल रही थी, तो मैं उनकी भावनाएं देख पा रहा था कि वो भी थोड़े से मतलब उनको भी ये था कि ये कौन है। तो इंटरव्यू ख़त्म होते होते हुए सेट कि मेरा इंटरव्यू मत दिखाना भाई, मैंने रिक्वेस्ट भी की जी जो अभी चीफ मिनिस्टर उन्होंने दे दिया है और आप भूतपूर्व हैं तो आपका बहुत ज़रूरी है, बट किसी कारणवश वो राज़ी नहीं हुए और उन्होंने बोला कि मेरा इंटरव्यू मत दिखाओ, तो इसलिए मुझे रखना पड़ा। अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका परमिशन नहीं है, इट्स नॉट न्यूज़ चैनल कि मैं चलो अब मिल गया तो छाप दिया, तो इसलिए नहीं दिखा सकता जी। कुलदीप भाई जी, फिल्म के हिसाब को, इमोशन के हिसाब को जो आपने सोचा एक नंबर जमा, रही बात इतनी चीज़ सोच पाना कि इतना बड़ा आंदोलन होया, आगजनी हुई, हिंसा हुई, तमाम चीज़ों में जो अनिल ने बताई है, सब्र का कितना फायदा हो सका है वो इस तरह मैसेज आपका जरूर जा रहे हैं और एक नंबर। थैंक यू। एक चीज़ें मैं भी बता दूँ इसके बारे में, मैडम ने भी पूछा कि एनडीटीवी तो किसान आंदोलन को बढ़िया दिखा रहा है, आपने एनडीटीवी को नेगेटिव पोस्टर क्यों किया? ये प्रश्न मैडम मेरे पास में आया था क्योंकि ये जो ना ये ब्रीफिंग जो है ना मैंने दी थी, तो इसलिए मैं ही क्लैरिफाई करूँगा इस चीज़ को। एक मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, उनकी पत्नी उस समय पर एनडीटीवी में थी, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि एनडीटीवी ने जो है इस घटनाक्रम को नकारात्मक तौर पे दिखाया है, तो उसने मेरे से सबूत मांगा, उसने मुझे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनडीटीवी कुछ गलत करे, आप सबूत दीजिए। मैंने उनको सबूत दिया, न केवल इस आंदोलन के समय पर सभी मीडिया चैनल, मैं किसी भी एक व्यक्ति का या चैनल का नाम नहीं ले सकता, सभी के सभी नेगेटिव थे, सभी के सभी नेगेटिव पोस्टरिंग कर रहे थे। जैसे आपने कहा ना कि आज के दिन में एनडीटीवी अच्छा कर रहा है, आपने शायद 26 जनवरी को नहीं देखा एनडीटीवी, यदि आप देख लेते तो आप उस बात को बदल जाते। तो मीडिया अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाता है, हम मीडिया के ऊपर कमेंट करने वाले कुछ नहीं होते, लेकिन उस समय पर बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। अब जैसे आपने ये बच्चे देखे जो कि जेलों के अंदर थे, इन सब का केस जो है प्रदीप मलिक जी को इन्होंने दिखाया है। आपको मैं जानकारी बता दूं, उन सब के केस प्रदीप मलिक जी लड़ रहे हैं, पंचकुला के अंदर सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं। अब ये जितने भी 31 के 31 बच्चे, मैं बता रहा हूँ 31 के 31 जो बच्चे शहीद हुए, उन सभी परिवारों तक, उन सभी घर तक पहला बंदा था जो मिलने वाला था, पहुँचने वाला था, वो मैं। उन सभी लोगों के चंडीगढ़ के अंदर जो केस इनके परिवारों के लड़ रहे हैं, क्लेम कमीशन ने अभी तक उसमें ऑर्डर नहीं किया है, उन सबको करने वाला मैं हूँ। इन सभी के सभी बच्चों से, इनके सभी परिवारों से संपर्क हमने किया, कुछ मैंने कुलदीप जी ने करवाया, कुछ जोगिंदर जी ने करवाया, कुछ अलग अलग किसान उन्होंने समितियों ने कराया, सब ने अपना अपना इन सब लोगों से संपर्क कराया। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, आपको हमको समझनी चाहिए, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा डेलिबरेट अटैक था वो था मुरथल। उसको समझाना, उसको आम जनता तक लेकर के आना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। लकीली मेरे लिए इसलिए आसान हो गया क्योंकि पहले दिन से, जब से मुरथल की सुनवाई हुई, हर सुनवाई के दौरान मैं वहाँ पर मौजूद था, हर किरदार जिसने भी इसको उठाया, क्यों उठाया, उसकी जानकारी मेरे पास में है। लेकिन इन्होंने ही मेरे को कोर्ट में, जब मैं दो बार अटेंड करने आया तब इन्होंने ही मुझे कोर्ट में बिठा के वो तारीख भी सुनवाई कि कैसे होती है हियरिंग। आई वाज शॉक्ड इन वन ऑफ द हियरिंग जहाँ पे वो बोल रहे थे 9 महीने से बच्चे जेल में हैं और आप क्या कर रहे हो, तो जज, आई एम सो सॉरी, माननीय जज साहब ने बोला क्या जल्दबाजी, 9 महीने से बंदे जेल में थे, बहुत कुछ हुआ उस समय पर जो नहीं होना चाहिए था। जैसे जैसे जस्टिस एन के सांगी ने इस मामले में जो है कॉग्निजेंस लिया था सीओ मोटू, उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कुछ पहलू हैं जो कुलदीप हमारे भाई से उस समय पर छूट गए क्योंकि हमारे पास में उपलब्ध नहीं थे। ट्रिब्यून जिसने इस पत्र, इस खबर को छापा, उसके जो पत्रकार, जो एडिटर थे हरीश खरे, उस समय पर खुद मुरथल में मौजूद थे। आपको सबको हैरानी होगी ये बात जान करके,
कि जो व्यक्ति खुद मुरथल में मौजूद है, एडिटर है, वो कभी भी किसी एसआईटी के पार्ट नहीं आया, सामने नहीं आया। आपने कभी नहीं सुना होगा ट्रिब्यून के एडिटर वहाँ पे मुरथल में मौजूद थे। लेकिन हमको कैसे पता लगा, क्योंकि एक बड़े मेरे प्रिय मित्र हैं जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया, उन्होंने वो खुद वहाँ पर मौजूद थे, वो भी पत्रकार हैं, और उन्होंने इस मामले की जानकारी मुझे दी। मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता लगी, मेरे माध्यम से इनको पता लगी, सबके माध्यम किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए। तो बहुत कुछ हमने किया वहाँ पर और बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। मुख्य बात यह है कि हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, जैसे बाऊजी ने मेरे से भी यह बात कही थी कि भी ऐसा ऐसा हो सकता है, हम सबकी कॉन्शियसनेस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी जगह जाति हो या कुछ भी हो, आंदोलन यदि कोई भी चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न जायज़ भी होते हैं, उसमें कुछ गलत तत्व भी आते हैं। वर्तमान आंदोलन के अंदर भी आए, हम सब ने निंदा की, लेकिन होता क्या है कि उन कुछ तत्वों को लेकर के पूरे आंदोलन को और पूरी की पूरी मूवमेंट को बदनाम करने का जो काम होता है, और उसको पीढ़ियाँ भुगतती हैं। कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये एक उन केसेस में से एक है कि लम्हों में कुछ व्यक्तियों ने खता की थी, लेकिन सजा जो है सदियाँ पाएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, आज के आंदोलन जो भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति किस पक्ष में है। मैं आंदोलन के पक्ष में हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आंदोलन के पक्ष में ना हों, जिनको लगता है कि किसान जो बिल हैं वो उनके पक्ष के अंदर हैं। भाईचारा बना के रखें, आपस में मेल भाव बना करके रखें, उनकी समस्याओं को जानें। यदि आपको लगता है कि किसान गलत आंदोलनरत है, उनको जाकर के समझाएं कि आप गलत आंदोलनरत हैं। बदनामी से कभी जीवन में किसी को कुछ हासिल नहीं होता, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को, हम किसी भी मूवमेंट को उसके इतिहास को समझें और समझ करके आगे बढ़ें, तभी जा करके हम कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू रविंदर। उसका कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ सर। उनको कोर्ट के कहने के बावजूद, भी सब फ्री, वो फ्री घूम रहे हैं। अब वो कहीं और रिपोर्टिंग करके, हाँ उसको उन्होंने न्यूज वालों ने निकाल दिया वहाँ से, तो न्यूज वाले ने निकाल दिया था उनको, लेकिन उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हुई। जी जी, ये आपको क्या लगता है कि किस साइड से या क्यों या क्या हुआ, ये क्यों हुआ, पुलिस ने क्यों किया? तो हम भी नहीं समझ पाए उस वक्त, हमने कोशिश भी की जानने की, बट वो ये भड़काएं या भड़कें कैसे, सब चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व। अगेन इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, मैं सच्ची में पॉलिटिक्स के पीछे नहीं गया। वाइल आई कुछ उत्तर हमने ढूंढने हैं, कुछ इन्होंने ढूंढने, कुछ आप ढूंढिए, सब कुछ हम नहीं कर सकते। हाँ रंजना, लेट देयर बी क्वेश्चन। When I came here, I had different perception about this. मुझे जितना मीडिया की तरफ से और इन सब चीज़ों से पता चला, जाट आरक्षण, जैसा कि आपकी टाइटल से भी है, चीर हरण रक्षण भक्षण आरक्षण, तो मुझे क्या लगा था कि ये फिल्म होगी कि जाटों ने किस तरह से आरक्षण के लिए हिंसा की। बट अभी जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मेरे दिमाग में एक ये सब देखने के बाद ये है कि कम्युनिटीज़ ने किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ की हिंसा से और इन सब चीज़ों से जाटों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, जाटों के लिए भी जो हुआ ये सब। ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, क्योंकि हम लेडीज़ को क्या है कि बहुत कम इधर उधर से सुनने मिल जाती हैं, वी आर नॉट वेरी मच इनटू इट, है ना, कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे जाती नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ को अच्छे से देखती नहीं है, इधर से सुनने मिल गया, इधर से सुनने मिल गया, हम लोग बहुत ज़्यादा सर्वे या बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हमें जितना मीडिया से पता चला कि जाट ऐसा कर रहे हैं, जाट ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि मैं भी हरियाणा से हूँ, उस वक्त पे मेरे ब्रदर भी रोहतक में रह रहे थे, तो हमारा सिर्फ इतना कंसर्न था कि हम फ़ोन करते थे तो हम सिर्फ उनको ये बोलते थे कि भैया आप ठीक हो, बाहर मत निकलना, आप इसमें मत पड़ना, हमारा सिर्फ अपने लोगों से। लेकिन जिस तरह से आज जिन लोगों की लाइफ गई है, उनको देखा, उन माओं को देखा, उनका दुख देखा, आई कैन रियली कनेक्ट कि मतलब उनकी क्या वो रही होगी मनोस्थिति, कैसा वो फील कर रहे हैं, वो हम लोगों को मीडिया में नहीं दिखाया गया कहीं भी, हम लोगों को उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसा कि आप, मैं आज एक अलग उसके साथ थॉट के साथ जा रही हूँ कि उन लोगों के साथ भी गलत हुआ, और यस रियली मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को बोलूंगी, जिस तरह से मेरा दिमाग चेंज हुआ है, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है, आप प्लीज़ जाके मूवी देखिए ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली जिन लोगों ने सर्वे किया है वो क्या है।
थैंक यू। रियली आपने, मैं भी आज एक कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मुझे भी एक छोटी सी कम नॉलेज थी इस बात के बारे में, मुझे नहीं पता था कि क्या है, तो मैं भी एक कम्युनिटी को गलत मान रही थी, बट नहीं आज मुझे भी पता चला है। मैं एक और कुछ नहीं और बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक अच्छी नॉलेज के साथ और एक चीज़ के बारे में मुझे भी पता चला कि ये क्या, किस तरह से, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी, किस तरह का हमारे इंडिया के उसमें क्या गवर्नमेंट ने किया था, तो वो एक मेरे लिए, मुझे लगता है कि एक मेरे लिए नॉलेजेबल बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी के उसकी में बात नहीं कर रही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि यस मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है इस चीज को लेकर। सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ रियली नाइस मूवी और मैं सच में अपने फ्रेंड्स को जरूर कहूंगी कि देखें और समझें और किसी लेवल पे नहीं तो कम से कम इंसानियत के लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक हम चलते हैं, काफी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। थिएटर वाले तो हर बात करेंगे। एक मैंने ये महसूस किया है पिक्चर देख के, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किसी एक जाति के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, ये समाज का संदेश है और हमें ये प्रयास करना चाहिए, इसमें मतलब सभी जातियों के लोगों को ये मतलब देखने चाहिए और ये बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा इसको, मतलब मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। बस ये तो ये अकेले एक जाति के लिए हम ना कहीं इसको ना, सभी ना, तो मेरा भी आइडिया नहीं था कि एक जाति के लिए ऊपर वहाँ, क्योंकि उसमें है वो जाट आंदोलन है, तो बता उसके बारे में बताना, सारी जानकारी है, बच्चे शहीद हुए सभी जातियों का, अकेले जाटों के नहीं हुए, और जातियों से भी बच्चों में है, सभी के लिए अमीर। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।